सीरियल पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि अहिल्या देखती है कि एक आदमी घायल पड़ा होता है और मदद के लिए पुकार रहा होता है, और तभी जाकर अहिल्या उसे उठाती है और बोलती है कि काका आप इस हालत में यहाँ, आप कहाँ के हैं और आपकी ये हालत किसने की। तो वो आदमी बोलता है कि छोटी रानी आपकी बहुत कृपा जो आप मुझे बचाने के लिए आ गई, और मेरी ये हालत डकैतों ने की है, उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे जख्मी करके चले गए। तो अहिल्या बोलते हैं कि देखिए आप घबराइए मत, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि वो डकैत किस दिशा में गए हैं। और तभी वो आदमी बोलता है कि उस दिशा में गए हैं और अभी ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। तो अहिल्या बोलते हैं कि ठीक है आप चलिए और मुझे दिखाइए, और अहिल्या उस आदमी के साथ जाने लगती है। लेकिन तभी वो आदमी पीछे से अहिल्या के सिर पर डंडा मारता है और अहिल्या बेहोश हो जाती है। और इसके बाद जैसे ही अहिल्या को होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पर डकैत आते हैं और अहिल्या को जाल में बंद कर देते हैं। और तभी उनमें से एक आदमी अहिल्या को संदेश देता है। तो जैसे अहिल्या उस संदेश को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि आपको यहाँ पर इसलिए लाया गया है ताकि आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारे खिलाफ आपकी कोई भी योजना सफल नहीं होगी, इससे आपका समय व्यर्थ होगा, हासिल कुछ नहीं होगा। और तभी अहिल्या सोचते कि मुझे तुम्हारी हर चुनौती कबूल है, और तभी डकैत अहिल्या को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है जब तुकोजी सैनिकों को लेकर वापस आते हैं, तभी देखते हैं कि वहाँ पर अहिल्या नहीं होती। तो तुकोजी अहिल्या को ढूंढने लगते हैं और वो ढूंढते ढूंढते अहिल्या तक पहुंच जाते हैं और आकर अहिल्या को बचा लेते हैं। और तभी तुकोजी अहिल्या से पूछते हैं कि ये सब किसने किया। तो अहिल्या बोलते हैं कि किशन नायक। और इसके बाद दिखाया जाता है तुकोजी अहिल्या को कक्ष में लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि अहिल्या ये सब कुछ किशन नायक ने किया है और तुम कह रही हो कि तुमने उसे देखा है। तो अहिल्या बोलते कि कोई फायदा नहीं तुकोजी बाबजी, मैंने उसे देखा जरूर है, लेकिन उसने मुझे बेहोश कर दिया था, जब होश आया तो वो वहां से जा चुका था और वो संदेश उसके आदमियों ने दिया। तो तुकोजी बोलते हैं कि उसने तुम्हें बंदी बनाया लेकिन तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया, ऐसा क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अहिल्या बोलते है कि वो कुछ कहना चाहता था बाबूजी, लेकिन क्या। और तब यहाँ पर एक सैनिक आता है और बोलता है कि छोटी रानी एक खुशखबरी है, जिनकोजी शिंदे सरकार के साथ मिलकर मल्लारा सरकार ने अहमद शाह अब्दाली को परास्त कर दिया है और अहमद शाह अब्दाली ने मल्लारा सरकार को माफीनामा भेजा है और आज उसी संबंध में वो मल्लारा सरकार से मिलने वाला है। और यह सुनते ही अहिल्या सोच में पड़ जाती है। तो तुकोजी बोलते हैं कि क्या वो अहिल्या तुम इतनी चिंतित क्यों हो। तो अहिल्या बोलती है कि एक तरफ राज्य में डकैतों की बढ़ती हुई समस्या और दूसरी तरफ बाबा साहब की अब्दाली के साथ मुलाकात, मुझे डर है कि ऐसे में कुछ हो ना जाए। और इसके बाद दिखाया जाता है जनकोजी मल्लारा सरकार से मिलने आते हैं। तो मल्लारा बोलते हैं कि आपने आने की तकलीफ क्यों की, हमें बुला लिया होता। तो जनकोजी बोलते हैं कि सरकार अब हम ठीक हैं, युद्ध की गाव है और अब हमें इनकी आदत हो गई है और सरकार खबर है कि आज अब्दाली मिलने आ रहे हैं। अचानक से ये माफीनामा, इसमें उसकी कोई चाल तो नहीं। और इसके बाद दिखाया जाता है अहमद शाह अब्दाली का आदमी अहमद शाह से बोलता है कि मल्लारा को माफीनामा भेजने के पीछे का कारण। तो अहमद शाह बोलता है कि अगर मछली को पकड़ना हो तो उसके ऊपर कांटा लगाना पड़ता है, मछली को लगता है कि हम उसे खाना दे रहे हैं और हम उसके दोस्त हैं और वो हमें अपना हमदर्द समझ लेती है और फिर वो इस गुमान में आटे के साथ कांटा भी खा लेती है, हमने कांटे पर माफीनामे का आटा लगा दिया है, मल्लारा हमारे जाल में फंसेगा जरूर। और इसके बाद दिखाया जाता है जनकोजी मल्लारा सरकार से बोलते हैं कि आपको अब्दाली के माफीनामे पर भरोसा है। तो मल्लारा बोलते हैं कि नहीं जिनकोजी, ये दगा भी हो सकता है लेकिन अब्दाली हमारी सूझबूझ को अच्छे से जानता है। तो जिनकोजी बोलते हैं कि हमें उसके प्रस्ताव को सोच समझकर स्वीकार करना चाहिए। तो मल्लारा बोलते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमने भी बहुत सोचा, अगर हमने अब्दाली के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो फिर से एक युद्ध होगा और जान माल का नुकसान होगा, और इस बार इस युद्ध से केवल मालवा ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान कई वर्षों तक इससे उबर नहीं पाएगा, हमें अपनी विजय पर कोई संदेह नहीं। और अगर हमने अब्दाली के प्रस्ताव को स्वीकार किया तो एक युद्ध नहीं होगा, और अगर इस प्रस्ताव में धोखाधड़ी लिपटी होगी तो युद्ध तो होगा ही, हमें लगता है कि अब्दाली के माफीनामे को लेकर हमें जोखिम उठाना ही होगा, और अगर उसके इरादे सही होंगे तो एक युद्ध टल जाएगा। तो जनकोजी बोलते हैं कि बात तो सही है लेकिन आप अब्दाली के सामने कौन सी शर्तें रखने वाले हो। तो मल्लारा बोलते हैं कि जो राशि तय हुई है वो तो अब्दाली हमें देगा ही, लेकिन हमारी मुख्य शर्त तो ये होगी कि अब्दाली और मराठा एक साथ कभी आपस में भिड़ेंगे नहीं। तो जनकोजी बोलते हैं कि क्या पेशवाजी से आपकी बात हुई। तो मल्लारा बोलते हैं कि जी हमारी पेशवाजी से बात हो गई है और वो हमसे सहमत भी हैं। तो जनकोजी बोलते हैं कि नाना साहब भले ही मान गए हों लेकिन पेशवाजी को यह बात मंजूर नहीं, वो अपनी सेना लेकर दिल्ली के लिए निकल गए हैं, कहीं ये किसी युद्ध का संकेत तो नहीं जिसे वो बाप गए हैं और हम समझ नहीं पा रहे। और इसके बाद दिखाया जाता है अहिल्या वाड़े में आती है और तभी मल्लारा बोलता है कि डकैतों की समस्या का हल मिला ही साहब, और आप तो वापस आ गए लेकिन आपके आने पर जीत का बुगल नहीं बजा और वो कैदी का नजर नहीं आ रहा जो आपने पहले डकैतों को कारावास में डाल दिया। तो मैना बोलते हैं कि आप चलिए ना राजकुमार जी। तो मल्लारा बोलता है कि ठहरो मैना भाई, हमें हमारा जवाब चाहिए, पेशवा सरकार के आदेश पर अमल करने के लिए रोक दिया गया था ना, क्योंकि उन डकैतों के खिलाफ कुछ करने में हम असमर्थ रहे थे, लेकिन मैना भाई इस बार आई साहब खुद पकड़ने गई थी उन्हें, तो हुआ क्या है वो तो पूछना पड़ेगा ना, और आपको वो डकैत मिले या नहीं। लेकिन अहिल्या कुछ नहीं बोलती और तभी मैना भाई मल्लारा को लेकर वहां से चली जाती है और तभी मल्लारा की बातों से अहिल्या बहुत दुखी हो जाती है
और अपने कक्ष में चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मुक्ता आती है और बोलते है कि हमारी आई सब इतनी कमजोर नहीं हो सकती, हमारी आई सब तो वो चट्टान है जो हर मुश्किलों को हरा देती है, हमारी आई सब के आगे तो आज तक कोई टिक नहीं पाया। तो अहिल्या बोलती है कि एक योद्धा होने के साथ साथ मैं एक आई भी हूँ, युद्ध भूमि में दुश्मनों को धूल चटाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन घर में रोज अपनी औलाद के सामने हार जाती हूँ और आज तुम्हारे बाबा साहब की कमी बहुत महसूस हो रही है मुक्ता, आज शायद वो हमारे बीच में होते ना तो चीजें कुछ और होती। तो मुक्ता बोलते है कि संभालिए आई खुद को, दादा साहब की हरकतें तो हम रोज देखते आ रहे हैं लेकिन उनकी वजह से आप कमजोर नहीं पड़ सकती। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है, तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें और इस तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।